नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस YouTube और Facebook पर, और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के खास विषय की। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है कठिनाइयों से मुक्ति कैसे पाएं, हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स। जीवन में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जीवन परेशानियों से भरा है। क्या कोई ऐसा है जिसके पास परेशानियां नहीं है? क्या जीवन जीना इतना आसान है? आपको इसका उत्तर मिलेगा ना में। जीवन जीना आसान नहीं है। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि कर्म ही डिफिकल्ट है। बिना डिफिकल्टी के कोई भी कर्म पूरा होता ही नहीं है। जीवन में कमाने के लिए, चलने के लिए, भोजन करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ता है। इस दुनिया में बिना कर्म करे कुछ होता ही नहीं है। देखिए, अगर रोटी भी हाथ में मिल जाए ना, तो भी रोटी को तोड़ना पड़ता है, सब्जी में उसे डुबाना पड़ता है, दाल में डुबाना पड़ता है, उसे मुंह तक ले जाना पड़ता है, उसे मुंह में डालना पड़ता है, दांतों से चबाना पड़ता है, जीभ से उसका स्वाद आता है, सलाइवा उसको गलाने का काम करता है, ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, उसके बाद में अम्लीय क्षार में आता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है, लिवर अपना काम करता है, फिर उसके बाद उसमें से पूरा पोषक तत्व निकाल करके शरीर बचे हुए भाग को फेंक देता है। कितना बड़ा कर्म है। अगर रोटी भी हाथ में मिल जाए तो भी कर्म जरूर करना है। अगर गाय भी घर में है तो उसका भी दूध निकालना पड़ेगा। बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। कर्म करना पड़ता है। लाइफ इज डिफिकल्ट। जहां डिफिकल्टी नहीं है वहां धन भी नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाई महसूस कर रहे हैं, चाहे पैसे कमाने में, चाहे किसी भी बात में, तो ये विशेष उपाय आप किसी भी शुभ दिन से शुरू करके 43 दिन तक लगातार कीजिए। बहुत सीधा और सिंपल सा उपाय है और आम उपाय है। कहीं नहीं जाना, अपने घर की बालकनी में ही या अपने घर की छत पर ही उपाय करना है। करना क्या है जरा ये जान लीजिए। थोड़ा सा बाजरा ले आइए और किसी भी शुभ रविवार से या बुधवार से इसे शुरू कर दीजिए। क्या करना है, मंगलवार की रात को जो आप बाजरा लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा बाजरा ले लीजिए और उसे भिगोकर अपने सिरहाने रख दीजिए। सुबह उठने के बाद में वो भिगोया हुआ बिजोरा जो है, उसमें से जो बाजरा है, उस बाजरे में से पानी को निथार दीजिए और उसे चिड़ियाओं के लिए रख दीजिए। 43 दिन तक अगर ये भिगोया हुआ बाजरा आपने चिड़ियाओं को दे दिया तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन की हर कठिनाई खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में एक नए विषय के साथ। क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके जीवन को कुछ छोटे छोटे सरल उपायों के साथ में सक्सेसफुल बनाया जाए। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना लीजिए। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।